बहुत किसी को पता पहले मैं आपको जो प्रैक्टिकल बताऊंगा ये फायदेमंद आपको कहाँ हो जाएगा, आप ये देखेंगे। जैसे मैंने अर्ज किया ना ऊपर के भाई, किसी वक्त यहाँ से ये ड्यू टू डैमेज ऑफ वाशर यहाँ से लीक हो जाता है तो फिर इस ये आग पकड़ लेता है नीचे, तो हम लोग डरते हैं, बच्चे जो भी वहाँ घर में होगी तो वो भाग जाते हैं। इसको कैसे दबाया जाएगा, इसके लिए दो चीज़ें आप कर सकते हैं। किसी वक्त अगर और कुछ नहीं मिलेगा तो कंबल भी इसको आप लपेटेंगे, ऐसे पूरा बंद करेंगे गीला करके, तो वो भी आग फिर भी बुझ जाएगी। अब हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे इसको। देखो आग लगी ना, अब देखो ये किस तरह बुझेगी आग कर, फिर एक बार देखेंगे हवा बुझाने का रहती है। चल रही है आग, कोई इसमें कोई वो जाए सो आग के में कितना फर्क है, नहीं बार रोकने ठीक है ना। फिर आप घर में बड़ा एहतियात करें, आप किसी वक्त ये नहीं आपके पास मगर यहाँ से लीक हो रही है, जो मैंने प्रैक्टिकल बताया ये इसके लिए जो साइड से लीक हो जाता है इसकी ऑक्सीजन काट के लिए, आप किसी वक्त मतलब फाइल की लीक हो जाती है यहाँ रेगुलेटर यहाँ से लीक अब ये लीक हो रहा है, आप इसको बुझाना है डरना नहीं है, इसीलिए मैंने बताया आपको। अगर आप ये डरोगे तो मैंने ऊपर अर्ज किया ना कि फिर आप बड़ा हादसे को जन्म दे के जा रहे हैं। बेहवस बेहवस पाइप को अगर है तो उसको खड़ा करके उस पर भी यही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। किस के सेंटर में? पाइप के सेंटर में पाइप निकालो, इधर से पाइप निकालो, खींच के इधर से बंद कर, रेगुलेटर बंद करो। कुछ खबर मैंने बोला है, डरना नहीं है, लगा ये देखो ना जा रही है आग। अब मैं बताऊंगा कि इसमें क्या करना होता है, आप करोगे आ जाओ, कोई हिम्मत करो आराम से कर सकते, डरो मत बेटा आ जाओ मैं बताऊंगा कैसे करना, आ जाओ आप इस साइड से निकालो बैग छोड़ किसी दूसरे को, मैं बताऊंगा क्या, बुरका दूर रखना, जब भी लेना है इधर से नहीं लेना, आगे से नहीं लेना, हाँ हाँ ना ना पीछे से लेना, फोटोग्राफ तो लोस ठीक है, ये पता जरा पतल फतले बांबर ना बस आराम, कोई खतरा चलो कर बहुत डर है, ये आपको मैंने हिम्मत बढ़ाई थी, डरने की जरूरत नहीं है इसमें। जब कभी भी ऐसा खुदा ना खास्ता हो जाए, अगर आपकी पाइप आगे से लीक हो रही है आप उसको निकाल के पाइप ऊपर करके ऊपर उंगली दबा दो, आप बताओ कि आज क्यों नहीं, आपका हाथ जलने का खतरा यहाँ नहीं होता है क्यों? अगर आप आगे से आएंगे आपको विंड डायरेक्शन देखनी है, हवा का रुख जिसे कहते हैं उसको देखना है कि भाई ये कैसे हम मतलब रुख कहाँ जा रहा है, पीछे से अटैक करना है आपको। अगर आप आगे से इसको उंगली लाएंगे आपका हाथ चलेगा, अगर आप फ्रंट से एंगल लाएंगे तो हाथ जलने का खतरा है, आप पीछे से जाएंगे अटैक करेंगे कुछ खतरा नहीं। फिर एक बार दिखा दो जल रही है आप देखना यहां से लेना ये ठीक है, बस जाओ बेटा अपनी क्लास में। ये आपको मैंने इसलिए दिखाया कि हिम्मत कर रही है, दो बच्ची मैंने लाई कुछ नहीं हुआ उनको भी, आपको भी कुछ नहीं होगा, जब कभी भी ऐसा हादसा हो जाए तो इसका तरीका इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आप नंबर के कभी खुदा ना खास्ता आज तो मोबाइल सबके पास है, आग का हादसा हो जाता है 101 हमारा मुसलसल नंबर है, आप उस पर कॉल कर दें तो फायर सर्विस का अमला खुद आग पे पहुंच जाएगा। आजकल का फायर सर्विस वो नहीं है, नाउएडेज इट हैज रीनेम्ड फायर एंड इमरजेंसी सर्विस। हम भूचाल में भी काम करते हैं, सुनामी में भी करते हैं, किसी जगह भी कोई भी हो फायर सर्विस हर जगह पेश पे ही रहता है और जदीद हथियार से लेस है। दूसरी अर्ज ये करूंगा कि जब कभी भी आग का हादसा हो जाए डोंट डिस्टर्ब द फायर सर्विस स्टाफ, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करो, उनको तावन दे दो, उनको बता दो
कहाँ से रास्ता है, कहाँ से अंदर सीट पे जाना है आपको, सीढ़ी कहाँ से है मकान की, तो इंशाल्लाह जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे उनको, आग फैल जाएगी, कुछ नहीं होगा, फिर बड़ा नुकसान हो जाता है। लिहाजा इस चीज का भी एहतियात करना, और जो चीजें मैंने यहाँ पे अर्ज की इनको जाकर जरूर शेयर करना, दिल के कब्रस्तानों में नहीं दफनाना, तब जाकर मेरा ये यहाँ आने का कोई फायदा होगा, आपके सुनने का भी कोई फायदा होगा। बस सलाम, शुक्रिया।